हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी प्रॉफिट एंड लॉस का अगले टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए, तो आज का ये टाइप है विद्यार्थी, जिसमें पहला सवाल है, देखा जाए कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा कितने परसेंट का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दें, इस टाइप का सवाल विद्यार्थी देखा जाए, आपको लिखना चाहिए वस्तु वस्तु और रुपया। ध्यान दें, तो कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से, तो वस्तु कितना है, 6 वस्तु है और रुपया 5 है, ठीक है। आगे देखिए, फिर 6 रुपए में 5 के हिसाब से, तो वस्तु आपकी कितना है, 5 है और रुपया कितना है, 6 है। इस टाइप से हमेशा आपको लिखना है। अब आपको सिरे गुणा करना है, इसका इसमें से गुणा माइनस इसमें गुणा, यस। तो प्रतिशत लाभ, यहां लाभ कंफर्म है, यहां लाभ कंफर्म है। देखिए, पहले वाले में वस्तु, पहले वाले की वस्तु दूसरे वाले के रुपए में गुणा करिए, फिर दूसरे वाले की वस्तु और पहले वाले के रुपए में गुणा करिए, तो यही है। देखिए, छठवा का 36 माइनस पंचम 25 अपान ये 25 इंटू 100, तो यही आपको करना है। तो अब देखा जाए, 36 में से 25 के कितना होता है, ये होता है 11 अपान 25 इंटू 100, 25 चौका 100 कितना आया, 44% आया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है यहां पे। अगला सवाल देखा जाए, यदि मैं 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए की 10 के दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा, तो यहां भी वही चीज है, आप वस्तु लिखिए और रुपया लिखिए। तो 11, पहले 11 कितने की दर से, 10 रुपए की दर से, फिर उन्हें 11 रुपए की 10 के दर से, तो 10 वस्तु 11 रुपया हो गया, यस। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर यहां पे हो जाएगा इतना माइनस इतना, ऐसे गुणा करिए, 11 वर्ग 121 माइनस 100 अपान 100 इंटू 100, तो ये चीज यहां पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 21/100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना है, 21%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस। तो इसी टाइप से इस प्रकार के सवाल को लगाना है, तो विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा, उसका लाभ है, तो फिर पहले जैसा ही है, यहां पे आपको वस्तु लिखना चाहिए, यहां पे रुपया, तो वस्तु 5 वस्तु है, कई रुपया, 4 रुपया, ये है, और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से, तो 4 वस्तु 5 रुपया हो गया। यहां पे लाभ की बात कर रहा है, तो इतना माइनस इतना, प्रतिशत लाभ बराबर पंचम 25 माइनस 4 चौक 16 अपान 16 इंटू 100, बस इतना हो गया। तो 16 9 25 9/16 इंटू 100, 4 चौक 16, 4 25 सहियां, और 25 9 200 25/4, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8 4 5 20, 56.25%, ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी।
हाँ विद्यार्थी, अगर किसी सवाल में ये निगेटिव में आ जाए तो यहाँ प्रतिशत लाभ के स्थान क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यस, फिर अगला देखते हैं सवाल। ₹10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीदकर ₹12 में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। मतलब देखिए यहाँ पे अब ध्यान देना, अगर निगेटिव आ गया यहाँ तो वो हानि होगी। अब क्या होगा अभी पहले से पता नहीं है, चलिए देखते हैं। वस्तु वस्तु और ये रुपया हो गया, तो 12 है और ये कितना है 10 है, आगे है ये 10 है ये 12 है, तो प्रतिशत लाभ बराबर 12/144 माइनस 10 दहिया में 100 अपान 100 इंटू 100, ये तो हो जाएगा 44/100 इंटू 100, इसे कैंसिल हो जाएगा कितना आ रहा है 44%, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपका ये क्या होगा लाभ ही होगा। ध्यान दे तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक लड़के ने ₹16/18 की दर से अंडे खरीदे और ₹20/22 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। तो विद्यार्थी इससे पहले जो सवाल था वो जैसे यहाँ ₹1 के हिसाब से बी की दर से या ₹20 के ए की दर से इस टाइप से था, अब की ए बी सी डी अलग अलग हो गया है, अलग अलग हो गया है तब भी हमारे कंसेप्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दें, जैसे आप यहां वस्तु लिखिए, वस्तु और रुपया, पहले में 18 है वस्तु और रुपया है 16, फिर दूसरे में आइए वस्तु है 22 और रुपया है 20, तो फिर इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, अब ये लाभ होगा या हानि होगा ये देखना होगा। तो ये ज्यादा हो तो आप देख लीजिए कौन ज्यादा है, तो ज्यादा ये है तो 18 × 36 = 360 माइनस ये 16 × 32 = 2 = 3 16 × 32 = 3 = 35, अब भी लाभ ही होगा क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, अपान 352 इंटू 100, ये क्या हो गया प्रतिशत लाभ, क्योंकि 360 ज्यादा है 352 कम है, तो यहां से देखिए आप तो ये हो गया 8/352 इंटू 100। यस, ये 8 से कट रहा है, 8 × 1 देखा 8 × 4 = 32 3 × 35 8 × 4 = 32 100/44 और 4 से डिवाइड करिए 4 × 5 = 6 में और 4 × 11 तो 11 × 22 3 इतना प्रतिशत लाभ, 2 × 3 = 11% लाभ होगा। यस, इस सवाल में तो अगर ए रुपया बी वस्तु सी रुपया डी वस्तु इस टाइप से हो जाता है तब भी हमारे सवाल में आप इस टाइप से करेंगे तो आपका सवाल गलत बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दिया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। वस्तु रुपया, तो 7 संतरे ₹3 हो गया आपका, आगे चाहिए प्रति सैकड़ा संतरा किस दर से बेचें, प्रति सैकड़ा मतलब 100 यहां लिख देते हैं, किस दर से बेचें, तो x मान लेते हैं वो रुपया होगा क्योंकि रुपया ही सब आंसर है, वो अनोन हमारे लिए, लाभ 33% है, तो प्रतिशत लाभ बराबर जो आपका होगा इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो हो जाएगा 7x - 300 अपान 300 इंटू 100, इतना आया, ये 33% है बराबर 7x - 300 अपान 3, इतना आया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
तो चलिए उड़ा करते हैं, देखिए 7x-300 बराबर हो जाएगा, 3 से उड़ा करिए, 3 3 9 3 3 9, 7x बराबर ये उधर जाएगा 300 कितना 99 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 399/7, 7 5 35, 4 49, 7 7 49, 57 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी अगला सवाल देखा जाए, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि है। तो फिर वैसे लिखेंगे वस्तु, वस्तु और रुपया, तो 100 संतरे रुपया 350 हो गया खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो ये 12 और ये कितना हो गया 48, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो फिर इसका इसमें गुणा माइनस इसका उसमें गुणा, अब प्रतिशत लाभ होगा या हानि अभी बाद में पता चल जाएगा। देखिए 480 हो जाएगा ये, माइनस 12 से यहां गुणा करेंगे, शून्य, 12 25 60 के शून्य हासिल, 6 12 36 6 42, तो फिर लाभ होगा क्योंकि 4800 है माइनस 4200 है, तो फिर क्या होगा प्रतिशत लाभ यहां होगा। अगर ये निगेटिव आ जाए तो प्रतिशत हानि होगा, यही चीज जानना है आपको। तब देखिए यहां से ये जीरो निकाल लेंगे, तो 4800 में से 4200 गए 600/42, ये 6 7 42 और ये 100 हो गया, 100/7 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा 7 7 3 10 30 7 4 28, 14 2/7 प्रतिशत लाभ हो जाएगा, 14 2/7 प्रतिशत लाभ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहां से ये आ रहा है। और लास्ट सवाल देखा जाए विद्यार्थी, रमण 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है, रमण का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं यहां फिर लिखते हैं क्या, वस्तु और रुपया, तो वस्तु है 20, रुपया है 25, फिर दूसरे में देखते हैं वस्तु है 15 और रुपया है 18, तो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा भी देखते हैं, 18 2 36 360 माइनस ये 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 2 30 7 37, तो अब की बार तो हानि होगा, अब की बार क्या होगा हानि होगा, ये कंफर्म हो गया क्योंकि ये 360 है ये 375 है, तो 375 क्या है ज्यादा है, तो ये प्रतिशत हानि लिखेंगे हम, निगेटिव चिन्ह ना लगाइए तो आप जान जाइए निगेटिव आ रहा है तो प्रतिशत हानि वाली बात हो रही है। तो 375 में 360 गए 15, 375 ये है, तो 15 से शायद ये कट जाए, देखिए 15 1 15 2 30 15 5 75, 25 4 104 प्रतिशत की हानि होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे है, ये निगेटिव आ रहा है विद्यार्थी तो क्या होगी हानि होगी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।